2023 के आखिर तक जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट, मेट्रो और पॉड टैक्सी तीनों सेवाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है। यीडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा है कि वो पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करवा लेना चाहते हैं, क्योंकि तब तक ही एयरपोर्ट के भी चालू हो जाने की उम्मीद है। अरुण वीर सिंह के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट आने वाले लोग अगर यीडा एरिया की फिल्म सिटी जाना चाहेंगे तो वो पॉड टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंह के मुताबिक पॉड टैक्सी लोगों को एक एडवेंचर का अनुभव कराएगी। सीईओ को उम्मीद है कि पॉड टैक्सी टूरिज्म के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और लोगों को आकर्षित करेगी। यूपी में नई फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के बीच वर्ल्ड क्लास पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट की डीपीआर 18 अप्रैल तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए डीपीआर कंसल्टेंट का चुनाव कर लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यीडा ने डीपीआर के लिए भारत सरकार की कंपनी आईपीआरसीएल को चुना है। आईपीआरसीएल यानी इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का चुनाव 18 मार्च 2021 को किया गया। आईपीआरसीएल यीडा एरिया में बनने वाली फिल्म सिटी और जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट की डीपीआर अगले लगभग 20 दिन में तैयार कर लेगी। आईपीआरसीएल ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की डीपीआर पर काम भी शुरू कर दिया है। डीपीआर से ही पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के ट्रैक का अलाइनमेंट, स्टेशन का लेआउट, फंडिंग पैटर्न और वर्क कंप्लीशन के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। आईपीआरसीएल इससे पहले दो और शहरों के लिए पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट की डीपीआर बना चुका है। आईपीआरसीएल ने मुंबई और हैदराबाद शहर में पॉड टैक्सी चलाने के लिए डीपीआर बनाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए डीएमआरसी ने भी इच्छा जताई थी, लेकिन यीडा ने ये काम आईपीआरसीएल को सौंपा है। पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का निर्माण मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट के मुकाबले 5 गुना कम लागत पर किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही पॉड टैक्सी बनाने वाली एक कंपनी के डेप्यूटी सीईओ ने जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए पॉड टैक्सी का निर्माण करने वाली कंपनी अल्ट्रा पीआरटी के डेप्यूटी सीईओ नितिन कुमार हैं। नितिन कुमार ने धीरेंद्र सिंह को बताया कि पॉड टैक्सी हाइड्रोजन और बैटरी से चलने की वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। फिलहाल यीडा की प्लानिंग है कि एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक लगभग 6.5 किलोमीटर के पॉड टैक्सी रूट के अलावा एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा तक भी पॉड टैक्सी चलाई जाए। ये रूट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जेवर एयरपोर्ट तक का ये रूट लगभग 30 किलोमीटर का होगा। पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट में 40 करोड़ प्रति किलोमीटर रूट का खर्च आने की उम्मीद है। 6.5 किलोमीटर के पहले फेज के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।